पर स्नैक्स जुड़ चुके हेलो हैं भाई, स्टार्ट हो और गया भाई, स्टार्ट हो गया। कोई पंख भाई भी जुड़ दिक्कत चुके हैं यहाँ पर। नहीं, पंख भाई अपनी कुर्सी थोड़ा स्टार्ट हो इकट्ठा गया। करते हुए यहाँ लेकर आ रहे हैं, कुर्सी बैठने की जगह बना रहे हैं। सेंस ओके, सेंसे भाई भी आ अच्छा, आईजीएल से आपको जगह नहीं दी गई है? नहीं, दे दे रहे, दे रहे, दे रहे, देंगे देंगे, जरूरी है उसको देना। ओके, सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, एक और नई इवेंट, एक और नई अचीवमेंट। कितनी बार आप लोग ये चीज कर चुके हैं और हर बार हम एक ही सवाल पूछते हैं, वापस पूछेंगे। सेंसे भाई कैसे हर बार? बस जब भगवान ने मुझे इतने अच्छे टीममेट्स दिए हैं तो करना तो मेरा बनता ही। ओ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा पंख से भी यहाँ पे, कि पंख से अगर मैं बात कर पाऊं। हाँ जी, सबसे पंख आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि जस्ट अभी सेंसे ने बता दिया कि इतने बढ़िया बढ़िया टीममेट्स मिले हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कई ऐसी मोमेंट थे जहां पे आप अकेले बचे थे, क्लच करना थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज यू आर द वन जो कि टीम से हल्का पीछे थे। उस टाइम पे क्या लगा था? बिकॉज स्नैक्स वाज द वन जो कि एडीएस दे रहे थे, सेंसे टीम से अलग घूमते हैं 1-3 के स्प्लिट पे, तो एक प्लेयर आपका जा रहा है सर्कल के अंदर, एक अलग एरिया ले रहा है, तीन प्लेयर्स पीछे बैठे हैं। उस टाइम पे व्हाट डू यू थिंक, तीन अलग अलग एंगल्स आप लोग चेकआउट करते हैं या फिर आप एक साथ रहते हैं कि हम सेंसे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन पास करेंगे? सेंसे को इन्फॉर्मेशन ही पास करते हैं, बट लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि आखिरी दिन था आज का इस फेज का, आप लोग कहीं ना कहीं चौथे मैच के बाद फिफ्थ या सिक्स्थ पोजीशन पर दिख रहे थे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, तो उस वक्त आपकी क्या प्लानिंग थी, आपको क्या लग रहा था कि क्या आप टॉप पर आ सकते हैं, आपको वो माइंडसेट था आपके अंदर कि क्या आप टॉप पोजीशन पर पहुंच पाएंगे जहां ऑलरेडी टीम्स 30-45 पॉइंट्स ज्यादा आगे देखने को मिल रही थी? एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं, हमने स्टार्टिंग से मतलब ऐसा जीतने के लिए नहीं खेला, हम स्टार्टिंग से फन कर रहे थे। हमने सोचा कि चलो चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि मतलब ऐसे वापस ऐसे ना नहीं मरेंगे, तो अलग अलग हम तरीके अपना रहे थे। एंड लास्ट सेकंड डे पे आई गेस फियर्स ने कहा कि हम लोग जी सकते हैं, हम टॉप थ्री है, उसने कुछ बताया था। मैंने पॉइंट सेवन नहीं देखा पूरे टूर्नामेंट, मैंने पॉइंट सेवन नहीं देखा। एंड लास्ट मैच ऐसा था तो कि मतलब हमारा था नहीं, स्टार्टिंग से इंटेंशन नहीं था कि जीत रहे हैं। अब लास्ट मैच ऐसा था कि स्नैक्स और फियर्स बोले कि भाई जी सकते हैं, चिकन डिनर ले लिए तो जीते, चल जीते 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 हैं, तो भाई इतना कही रहे तो फिर एक बार क्यों ना ट्राई करते जीतने का। एंड फिर मैंने पूछा फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, उन्होंने बताया कि हाइड्रा फर्स्ट पोजीशन पे। एंड स्टार्टिंग में हमने एक हाइड्रा का बंदा नॉक फिनिश कर दिया था, तो हमें पता लग गया कि मतलब ये हाइड्रा है तो इन्हें मारना बहुत जरूरी है अगर चिकन चाहिए, क्योंकि अगर हम फर्स्ट आते हैं, अगर टॉप थ्री आते तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो उसको फिर हम हाइड्रा के बंदों का मतलब ऐसा फॉलो करें बस ऐसा। जी हाँ, एक सवाल पूछना चाहूंगा, टारगेट किया गया था? नहीं, दिस दिस वाज क्वाइट गुड वन, बट एक सवाल पूछना चाहूंगा सेंसी से कि हाल में मैंने देखा था इन सम इवेंट बार बार एक्सो अपनी रोटेशन से पिक आउट होती दिख रही थी। इस इवेंट में मैंने देखा क्या कि हर बार कुछ नया कोशिश की जाती है, इवन मिरामार पे भी बार बार रोटेशन में चेंजेस लिए जा रहे थे, तो क्या वो इसलिए थे कि कोई और टीम हमारे लिए फील्डिंग लगा के ना बैठे, या आप ऑलरेडी रेडी रहना चाहते थे कि आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम मल्टीपल सिनेरियोस अपने लिए पहले कन्वर्ट रखें कि कुछ अगर सिनेरियो में हम फंसते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजी बी होगी उस पर ऑप्ट करेंगे? जी एक्चुअली आपको तो जैसे मतलब आप लोगों ने को पता ही है कि हम उतना एग्रेसिव नहीं जाते, हम हमेशा एक स्ट्रेटेजी रखते हैं। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर हमें घेर लिया कहीं पे या हमें किसी पे मतलब ऐसा फंसा लिया टीम, तो हम हमारे क्या बैकअप ऑप्शन होनी चाहिए, तो हम हमेशा वो चीज दिमाग में रखते हैं। एंड अलग अलग मैंने जैसे आपको कास्ट में हम अलग अलग तरीके देख रहे थे कैसे मरे, तो वही हम करते रहे अलग, तो बाकी टीम्स कोई आई होगी मुझे पता नहीं उतना, स्ट्रीम नहीं देखी, लेकिन हाँ हमारा यही था कि बस सीखना है इसमें, कुछ अलग अलग ट्राई करते रहना, कुछ अलग अलग सीखना सीखते रहना। जी बिल्कुल, और हमने देखा है कि स्नैक्स भाई कहीं ना कहीं अभी अभी जोड़ रहे हैं इस टीम से, तो स्नैक्स से मैं जरूर पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन कि स्नैक्स अभी अभी एक पार्ट बने टीम एक्सो का, तो आपको आपका क्या व्यूज रहता है, आप जब इस शानदार टीम के साथ खेल रहे हैं, आप जब इस टीम का पार्ट बन चुके हैं, तो आपको कैसा फील होता है, किस तरीके से आप खेलना प्रेफर करते हैं, आपका जो प्ले स्टाइल है क्या वो एक सही फ्लो में जा रहा है इस टीम के साथ जुड़ने से? ऑफकोर्स सही फ्लो में जा रहा है, इसके लिए तो रिजल्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों को। लास्ट जो भी टूर्नामेंट्स में एक्सो के साथ खेला, दो तीन तीन टूर्नामेंट आई थिंक खेला, उसमें हम लोग दो जीते हैं, एक में थर्ड आए, तो भाई वो रिजल्ट्स मिले तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लास्ट सिक्स मंथ से मैं कोई भी टूर्नामेंट जीता नहीं, मोस्टली क्वालिफाई होना भी मुश्किल था, तो वहां से एकदम से ये स्टेज पे जम करना ये तो मेरे को चाहिए ही था, एंड वो हो रहा है। मैं मेरी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ टीम के लिए, एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओवरऑल टीम टीम गेम प्ले मैटर करता है, तो वो पहले मिसिंग था, अभी
दिख रहा है वो। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि इवन फ्रॉम द सेंसर टू कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सिनेरियोस बदल रहे हैं, मेटा बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, कभी एक टाइम पे फिनिशर्स का मेटा बहुत ज्यादा चल रहा था, अभी प्लेसमेंट का मेटा चल रहा है, वी आर यूजिंग दिस, बहुत लोग कर रहे हैं, एग्जो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, तो अगर फ्यूचर में मेटा ऐसा कुछ चेंज आता है जहां पे फिनिशर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा, तो क्या हम एग्जो को समझ सकते हैं कि वो फिनिशर्स ले जाएंगे, बिकॉज आफ्टर द एडिशन ऑफ स्नैक्स मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा और ज्यादा ही फिनिशर्स आते दिख रहे हैं पहले से, तो क्या अगर ऐसा कुछ मेटा में चेंजेस आता है तो एग्जो जाएगी फिनिशर्स के लिए? जी बिल्कुल जाएगी, जैसा गेम का मैटर चलेगा, जैसे वर्ल्ड सिविल का मैटर चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग खेलना पसंद करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, और आज फेज वन का एंड हुआ है, आपने कहा हम लोग मस्ती से खेल रहे थे, अब कल से फेज टू का शुरुआत होने वाला है, उसमें भी 4-5 दिन होने वाले हैं, तो क्या उम्मीदें रहेंगे आपको फेज टू को लेकर? बस मुझे तो अभी आपने बताया कि फेज टू भी है, तो उसमें पूरा ट्राई रहेगा कि उसमें जीते, सारे फेज एक साथ जीतेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फेज टू भी जीतने का ट्राई करेंगे जी। तो मतलब जिस तरीके का एग्रेशन हमने यहाँ पे कुछ एंडिंग फेज में देखा था कि एक्सो व्हाट दे एक्चुअली डू इज, हम पहले मतलब एक्सो पहले सर्कल को होल्ड करती है, पोजीशन पॉइंट्स लेती है, फिर उसके बाद स्प्लिट करके एक एक प्लेयर के ऊपर टेकडाउन करते हैं, एज अ टीम फाइट लेते हैं, तो ये चीज जो हमने एग्रेशन एंडिंग फेज में थोड़ा सा ज्यादा देखा, बिकॉज क्योंकि सेकंड मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट सेकंड मैच, वहां पे वो एग्रेशन था जिसकी वजह से ये बैटल एक्चुअली बहुत ज्यादा क्लोज हुआ, तो क्या ये एग्रेशन हमें वापस से स्टार्टिंग फेज से देखेगा या फिर इसी तरीके से चलेंगे जो अपना बेसिक तरीका रहता है, बट जब जरूरत पड़ेगी तब एग्रेस करेंगे? बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी तब एग्रेस करेंगे, क्योंकि एग्रेस करने से कहीं ना कहीं मतलब ऐसा एनर्जी बहुत जाती है, तो ऐसे स्टार्टिंग से ही थोड़ा लाइटली खेलेंगे, आराम से खेलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कैसा कॉम्पिटिशन है आसपास, एंड फिर उसके हिसाब से देखेंगे, अगर एग्रेशन की जरूरत है तो फिर एग्रेशन ले जाएंगे जी। हाँ तो बिल्कुल, मुझे लगता है अब सरदार जी को और ज्यादा साथ रखा गया तो सारी सीक्रेट रिवील हो जाएंगी, तो अब यहाँ से हम जरूर अलविदा लेना चाहेंगे हमारे सारे प्लेयर्स के साथ, बहुत ही अच्छा खेला आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले दिनों में आप और अच्छा खेलेंगे फेज